हजार सालों से ये जो पेड़ है ऐसा क्या ऐसा अभी तक ये जो गांव वालों ने है वो उन्होंने संभाल के रखा है। सो हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो मैंने जो व्लॉग है वो यहाँ पे आके ही स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं चाहता था कि ये वीडियो छोटा रहे और इन्फॉर्मेटिव रहे और ज़्यादा लोगों तक जा पाए, क्योंकि आजकल लोगों को लॉन्ग वीडियोस देखना पसंद नहीं होता। तो ये जो जगह है वो गणपतपुरा है, तो ये जगह पादरा में है, बड़ौदा से लगभग 15-20 किलोमीटर है। और यहाँ पे ये जो पेड़ है ना, इसकी खास बात ये है कि ये 1000 साल पुराना पेड़ है। जी हाँ जनाब, 1000 साल पुराना, 1000 साल पुराना पेड़ है ये, और पूरे इंडिया में इतना पुराना पेड़ और कहीं पर भी नहीं है। तो ये एज अ बड़ौदियन काफ़ी प्राउड वाली बात है हमारे लिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ तो इस पेड़ की जो वैल्यूएशन है वो करीब 10 करोड़ तक की है। जी हाँ, तो इनकेस अगर कोई बंदा या बंदी इस पेड़ को काटता है या चोरी करने की कोशिश करता है तो उसे गवर्नमेंट को 10 करोड़ फाइन देना पड़ेगा। तो इस पेड़ को हिंदी में कल्प वृक्ष और इंग्लिश में इसको बोला जाता है एडेंसोनिया डिजिटाटा। काफ़ी अटपटा नाम है इसलिए मैं देख के पढ़ रहा हूँ। और इसको गुजराती में गेलू झाड़ या फिर रुखड़ो, जी हाँ रुखड़ो करके भी जाना जाता है गुजराती में। और अगर आप ये जगह पे बाइक या एक्टिवा से जाते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके जो रास्ते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हैं, और कार लेके जाओगे तो आप पहुँच तो जाओगे लेकिन बहुत दिक्कतें आएगी। आप अनदर थिंग कि ये जो पेड़ है उसके जो ट्रंक होते हैं, जो मूड होते हैं, वो 50 फीट गहरे हैं और 1 से 2 किलोमीटर डिस्टेंस तक फैले हुए हैं। मतलब कि इस पेड़ से अगर आप 1-2 किलोमीटर दूर कहीं पे भी खुदाई करोगे ना तो आपको इस पेड़ के मूड देखने को मिलेंगे। जी हाँ, तो ये जब मंदिर बनाया गया था, जो ये पेड़ के बाजू में बड़ा सा मंदिर है, भगवान रामापीर जी का मंदिर है यहाँ पे, तो ये जब मंदिर बनाया गया था तो खुदाई करते वक्त इस पेड़ के मूड देखने को मिले थे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है यहाँ पे ना, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे देखे और पेंटिंग्स की हुई है। ये लिटरली ऐसा लग रहा है कि जैसे गणपति जी ने एक पेड़ में एक अपना एक मस्त रूप धारण किया हुआ है और अपने दर्शन दे रहे हैं। लाइक अगर आप यहाँ पे आके रियली में विजिट करोगे ना तो आप भी, मतलब आपको भी एक अलग ही वाइब आएगी यहाँ पे, और आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ रियल में गणपति जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। और जिस तरह से ये इन्होंने संभाल के रखा है ना भाई, मतलब कमाल की बात है ये चीज़। और यहाँ पे इतना डेवलप हो चुका है, पहले यहाँ पे मंदिर वगैरह कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये पेड़ था और ये छोटा सा मंदिर, जो आप बहुत कम लोगों को ही पता है ये जगह के बारे में। तो मैं और तो क्या ही बोलूँगा, आप यहाँ पे आके एक बारी देखिए, आपको रियल में एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आई होप गाइस कि ये जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे वीडियोज़ के लिए आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहिएगा। और दूसरी चीज़, अगर आपके भी ध्यान में अगर कोई ऐसी जगह है बड़ौदा में या बड़ौदा से थोड़ा आगे, तो प्लीज़ सजेशन दीजिए कमेंट में, और आप अपना प्यार देते रहिएगा, हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे।